नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तारीख की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन बुधवार को बीपीएससी ने 16 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहीं 15 मार्च को दो शिफ्ट में होने वाले एग्जाम्स वैसे ही ऑन टाइम होंगे। बीपीएससी ने नोटिस जारी कर कहा है कि 16 मार्च को एकल पाली को आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। वहीं 15 मार्च के दो पालियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने सूचना दी है कि अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ही मिलेगी। बता दें कि मार्च यानी कि आज गुरुवार को परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 16 मार्च को एक ही पाली में शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्लास 9वीं से 10वीं के तहत हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 10वीं कंप्यूटर साइंस, संगीत, कला विषयों को छोड़कर शेष सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। आयोग की ओर से अब जानकारी दी गई है कि स्थगित की गई परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। आपको बता दें कि 15 मार्च को दो पालियों में होने वाली परीक्षा में पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 15 को पहली पाली में गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के साथ शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6वीं से 8वीं के सभी सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी। वहीं द्वितीय पाली में सामान्य, उर्दू और बांग्ला की परीक्षा होगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत 1 से 5वीं कक्षा के लिए सामान्य विषयों की परीक्षा होगी। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।